पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव केस में भारतीय वकील के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि आलमी अदालत के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का अपने बयान में कहना है कि कुलभूषण यादव के मामले पर भारतीय वकील ने 3 मई को अपने एक ऑनलाइन लेक्चर में हकायक के बरक्स बयान दिया और मामला दोबारा आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने की धमकी दी। पाकिस्तान भारतीय वकील के बेबुनियाद और गलत बयान को पुख्तगी के साथ रद्द करता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि कुलभूषण केस में पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर पूरी तरह अमल करते हुए काउंसलर रसाई दी। जिम्मेदार मुल्क होने के नाते पाकिस्तान अपनी तमाम बैनुल अक्वामी जिम्मेदारियों की पासदारी करता है। याद रहे कि गुज़श्ता बरस 17 जुलाई को आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान से गिरफ्तार होने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बरियत की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी।